बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बन रहे फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। योगी सरकार में लोग बेखौफ होकर माफिया से खाली कराई गई जमीन पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। शुरुआती दो दिनों में ही 80 से ज्यादा लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि 40 लोगों ने रजिस्ट्रेशन के साथ ही 5,160 रुपए ऑनलाइन फीस भी जमा कर दी है। सूबे की योगी सरकार माफिया से खाली कराई जमीन पर गरीबों को आशियाना देने का सपना पूरा करने जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से मुक्त कराई गई 1,731 वर्ग मीटर जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लूकरगंज इलाके में 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। 30 जून से इन फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत बनाई जा रही है, जिसमें EWUS कैटेगरी के 76 फ्लैट बनकर तैयार होंगे। इसलिए निम्न आय वर्ग के लोगों को फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन कराने में हो रही दिक्कतों और परेशानियों के समाधान के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अपने कार्यालय में हेल्प डेस्क भी खोल ली है। सिविल लाइन के इंदिरा भवन की 8वीं मंजिल पर 824 नंबर कमरे में यह हेल्प डेस्क खोली गई है, जहां पर कार्यालय समय में बड़ी संख्या में लोग योजना में रजिस्ट्रेशन को लेकर जानकारी करने आ रहे हैं, जबकि कई लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी आ रहे हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव अजीत कुमार सिंह के मुताबिक शुरुआती दो दिनों में जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स दिख रहा है, उससे ये लग रहा है कि बड़ी संख्या में लोग आवेदन करेंगे। हालांकि PDA सचिव का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड फोटो, नामिनी का आधार कार्ड व फोटो के साथ ही बैंक खाते के डिटेल के साथ ही कई अन्य कागजात की जरूरत पड़ेगी, इसलिए लोग कागजात भी तैयार करने में लगे हैं। उनके मुताबिक अभी रजिस्ट्रेशन के लिए 31 जुलाई तक का पर्याप्त समय है, लोग 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। PDA सचिव के मुताबिक अगर लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत व परेशानी हो रही है तो PDA दफ्तर में भी आकर निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद के खाली कराई गई जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बन रहे 76 फ्लैट का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद लॉटरी के माध्यम से फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। ये बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं, क्या पता करने आए थे, किस योजना के लिए आए हैं और क्या जानकारी मिली आपको? प्रधानमंत्री आवास योजना के आए हुए हैं और लूकरगंज में जो बनना है फ्लैट बन रहा है, उन्हीं के लिए जानकारी के लिए आए थे। क्या जानकारी मिली है? जानकारी मिली है कि वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आ गया है और ऑनलाइन मतलब फॉर्म भरा जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को फ्लैट मिले, फॉर्म जमा करके अपना सामान। आपका कहीं घर नहीं है? जी सर, है किराए पर रहते हैं। किराए पर रहते हैं, ठीक है। नाम बताइए। धनंजय कुमार। रोल सर, ये बताएं कि लूकरगंज में माफिया से खाली कराई गई जमीन पर शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए गए हैं, उसको लेकर यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाई गई है, तो इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो कब से शुरू हुआ है और कितने लोग आ रहे हैं? हेल्प डेस्क किस तरह से कार्य कर रही है और किस तरह से लोगों का उत्साह भी देखा जा रहा है? कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कितने लोग अभी अप्लाई किए जिन्होंने उसका फ़ी नहीं जमा किया है, और क्या है पूरा? नहीं, इसमें आप लोग जैसा जानते हैं कि 30 तारीख को रजिस्ट्रेशन इसका ओपन हुआ है और इस योजना में 76 फ्लैट विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे हैं जो दिसंबर तक लगभग पूर्ण हो जाएंगे। और इसमें रजिस्ट्रेशन अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई, कल शाम तक 80 रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है, इसमें 40 लोगों ने फीस भी जमा कर दिया है। और चूंकि EWS कैटेगरी के लोग इसमें आवेदन करेंगे तो कुछ जगह से हम सूचना मिली थी कि असुविधा हो रही है, तो हम लोगों ने प्राधिकरण में हेल्प डेस्क भी बना दिया है, अगर जिसको रजिस्ट्रेशन करना हो तो यहाँ आएगा, वहाँ कर्मचारी भी तैनात कर दिए गए हैं, उनको जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे और ये रजिस्ट्रेशन की सुविधा देंगे। और इसमें जो है
31 जुलाई तक इसमें जो है रजिस्ट्रेशन अभी आमंत्रित किए जाएंगे। कौन लोग इसमें आवेदन करेंगे, क्या किसी वर्ग को प्राथमिकता देंगे? हाँ, इसलिए पहले ही बताया कि EWS कैटेगरी का ये आवास है और जो पात्रता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की, उसके जो पात्र व्यक्ति होंगे जिनकी आय प्रमाण पत्र जिनका जो है 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष का होगा, जिनकी आय जो है 3 लाख रुपये तक होगी, वही इसमें प्रतिभाग कर सकेंगे। और जो प्राधिकरण की वेबसाइट है उस पर इसका लिंक दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने इसमें जहाँ हेल्प डेस्क बना हुआ है वहाँ सारी इसकी प्रक्रिया की गई है और जिनको अगर इसमें असुविधा होगी तो हेल्प डेस्क पे आके समझ सकते हैं। बाकी पेपर और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी जो हम लोगों ने इसको प्रचार प्रसार कराया है। सर, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जो ठीक है, अभी शुरुआत है, अभी बहुत लोगों के पास अभिलेख नहीं है तो थोड़ा स्लो है। अदरवाइज 2 दिन में 80 लोगों ने आवेदन कर दिया है और 76 ही फ्लैट है, तो उम्मीद है कि जितने फ्लैट है उसके काफी कई। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।